अभिनेता बॉबी देओल की बात करें तो लंबे समय से बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी फिल्में वे नहीं दे पा रहे थे और नाकाम साबित रहे थे। सलमान खान ने एक बार उन्हें मौका दिया था रेस 3 में, लेकिन ये फिल्म पिट भी गई थी। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि जब से बॉबी देओल ने आश्रम वेब सीरीज की है तब से वो काफी लंबे समय से चर्चा में आ चुके हैं, क्योंकि ये वेब सीरीज काफी ज्यादा चली थी। इसका चाहे चैप्टर 1 हो या चैप्टर 2, ये दोनों ही चैप्टर अपने आप में मिसाल बन गए। काशीपुर वाले बाबा के रोल में अभिनेता बॉबी देओल ने लोगों को काफी इम्प्रेस किया। लोगों ने बॉबी देओल को बहुत ज्यादा पसंद किया, प्यार दिया। शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब अभिनेता बॉबी देओल ने अपने फिल्मी करियर में इतने ज्यादा बोल्ड सीन दिए हैं, वो भी 50 साल के बाद, यानी 50 की उम्र के बाद। आश्रम वेब सीरीज की बात करें तो इस वेब सीरीज में बॉबी देओल एक ढोंगी बाबा का किरदार निभा चुके हैं, जो आश्रम में लड़कियों के साथ गंदा काम करता है, ड्रग्स का धंधा करता है। बॉबी देओल के इस किरदार को लेकर सभी कुछ चर्चा का केंद्र है। आश्रम वेब सीरीज के बाद अभिनेता बॉबी देओल फिर एक बार चर्चा में है। आपको बता दें कि बॉबी देओल एक बड़े फिल्मी घराने से ताल्लुक रखते हैं, वो धर्मेंद्र के बेटे हैं, सनी देओल के छोटे भाई हैं। आश्रम वेब सीरीज में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद हर कोई उनका दीवाना हो गया और हर किसी ने इनकी जमकर तारीफ की है। ऐसे में घर वालों का क्या रिएक्शन है, चलिए वो भी बताते हैं। बॉबी देओल के बड़े भाई सन्नी को बॉबी देओल का ये बाबा निराला वाला किरदार पसंद आया, लेकिन आपको बता दें कि बॉबी देओल के पिता यानी धर्मेंद्र को इनका बाबा वाला किरदार बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि जब उन्होंने अपने बेटे बॉबी देओल की आश्रम वेब सीरीज देखी तो एक्टिंग तो पसंद आई, लेकिन बाबा निराला का किरदार बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि बॉबी देओल आश्रम में लोगों के पीठ पीछे गंदा काम कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने फिल्मी करियर में पहली बार इतने बोल्ड सीन जो दिए हैं, जो धर्मेंद्र यानी पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं आए। उनका कहना है कि अगर ऐसे बोल्ड सीन देकर ही लोगों का दिल जीतना है तो मुझे नहीं जीतना ऐसा दिल। धर्मेंद्र जी अपने बेटे बॉबी देओल के आश्रम वाले किरदार से काफी ज्यादा नाखुश हैं। उन्होंने कहा है कि अगर दर्शक मेरे बेटे को इस किरदार में पसंद कर ही रहे हैं तो मैं इस पर कुछ कह ही नहीं सकता। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने के लिए मिलती रहे। सबसे पहले धन्यवाद।